स्थानीय निकाय कोटे से हुए बिहार विधान परिषद चुनाव में जीते 24 नव निर्वाचित एमएलसी प्रतिनिधियों ने आज बिहार विधान परिषद में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। और इस दौरान बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इन 24 जीते हुए प्रत्याशियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई है। वहीं इस मौके पर शपथ ग्रहण करवाने के बाद बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें काफ़ी खुशी है कि हमारे सदन का स्ट्रेंथ अब पूरा हो गया। वहीं उन्होंने कहा कि हम इन नव निर्वाचित जो एमएलसी प्रतिनिधि हैं उनको टैबलेट देंगे जिससे वो घर से ही काम कर सके, और इस टैबलेट का दिया जाना उनको काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा। साथ ही साथ जो कार्यकारी सभापति हैं उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि ये पूरे देश का पहला ऐसा उच्च सदन है जो पूरी तरह डिजिटल हो गया है। और क्या कुछ कह रहे हैं कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हैं, शपथ दिलवाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए, पहले आप वो सुने। आज हमारा बिहार विधान परिषद फुल स्ट्रेंथ में हो गया, पूरा सदन सब चीज भर गया, इसलिए और सबको बधाई भी मैं देता हूँ और बड़ी खुशी की बात है ये। अब आगे जो है जब ये सदन चलेगा, सभी नए सदस्य आए हैं, तो एक चीज़ का व्यवस्था मैं करूँगा कि क्योंकि पूरा ये डिजिटल हमारा ये है, सदन है डिजिटल है और निभा के अंतर्गत सब चल रहा है, और सबको एक मैं टैबलेट भी मैं दूंगा ताकि लोग सब लोग अपना काम करेंगे। सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से इसको ये विधान को हम लोग सक्सेसफुल करें और डिजिटल काम करें, इसके लिए से कि प्रशिक्षण सबको देंगे। अब सबको एक एक लाख का हम लोग दे रहे हैं टैबलेट, वो बहुत काम करेगा ताकि अपने घर से भी लोग काम कर सकें, तो इसके लिए प्रशिक्षण की भी जरूरत है, प्रशिक्षण भी हम लोग देंगे। कई सदस्य हैं सर कि जो बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं, उनकी सदन की गरिमा हो, तमाम चीज़ों की जानकारी भी, क्या अपेक्षा क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे सब लोग ये हैं और सब लोग आए हैं, जब इस सदन के लिए चुन के आए हैं तो अपने दिमाग में रख के आए होंगे कि मैं ऊपरी सदन के लिए चुन कर आया हूँ और इसकी मर्यादा को रखना है और किस तरह से बिहार की मर्यादा को आगे बढ़ाना है, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, किस तरह ये सब लोग जानते हैं और करेंगे, उस तरह से करेंगे। और मेरी शुभकामना भी है कि इस तरह से लोग व्यवहार करें ताकि अभी बहुत नाम हुआ है और पूरे हिंदुस्तान में पहला ये सदन हो गया है निभा के अंदर गाने वाला, डिजिटल होने वाला पहला सदन है, तो इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए ये एक आदमी के प्रयास से नहीं होता है, सबके प्रयास से हो रहा है। आज बिहार में इतना आगे बढ़ रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो नीतीश जी के साथ सबका सहयोग है, सबका ये है और सबका विश्वास प्राप्त है, इसलिए आगे बढ़ रहा है। उसी तरह से सदन भी चलेगा तो सदन में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग रहेगा, सभी माननीय सदस्य ये फील करेंगे कि हमारा सदन है, अब इसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए, इसका नाम पूरे भारत में आगे रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो ज़रूर आगे बढ़ेगा और इस तरह की फीलिंग इन लोगों में होगी और इस तरह की फीलिंग हम लोग भरेंगे भी। धन्यवाद। तो आपने सुना अवधेश नारायण सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार विधान परिषद का आज स्ट्रेंथ पूरा हो गया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो नव निर्वाचित जो जीत के आए हैं उसमें से कई लोग जो हैं वो पहली बार जीत के आए हैं, तो उनको किस तरीके से सदन के मापदंड को बनाए रखना है, सदन की गरिमा को बनाए रखना है, उसके लिए हम लोग भी उन्हें जानकारियाँ देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति जीत के आए हैं उनके दिमाग में पहले से ये सोच है कि हम उच्च सदन में जा रहे हैं, तो वो भी अपने ओर से सदन की गरिमा को और सदन की शालीनता को, अनुशासन को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एच डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एच डी न्यूज़।